عايز بلاغ بعيش على मेरा नाम उमर वड़ाइच है और मैं इस वक्त बेरूत में मौजूद हूँ। कल शाम बस 6 बजे के कुछ मिनट बाद मैं अपने फ्लैट में बैठा हुआ था और एक शदीद जैसे धमाका की आवाज़ आई। मैं अचानक समझा कि शायद कोई जहाज़ पास से गुजरा है तो साउंड बैरियर टूटा है। खौफनाक किस्म की सूरत हाल लग रही थी। मैं ज़रा एक साइड पर हुआ तो उसके चंद बस अब 20 सेकंड बाद एक इंतहाई शदीद धमाका हुआ। सारे शीशे, सारे दरवाजे सब उड़ गए। वो ऐसे अब मैंने अपने तजर्बे में बतौर एक सहाफ़ी कई अनफॉर्चुनेटली बड़े खौफनाक और ट्रेजिक किस्म के वाक़े देखे हैं। मसलन जिस तरह वो मैरियट का 2008 में सानहा था, पर इसकी जो शिद्दत थी वो ये किसी और एक मंजिल पे थी। और जैसे मैं उठा तो हर तरफ तबाही तबाही नज़र आ रही थी। सारा ग्लास, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ सब तबाह हुए हुए। और जैसे मैं उठा तो बाहर आसपास दूसरे फ्लैट से चीखों की आवाज़ें आईं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो, अरबी में लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे। कहीं एक पास उसी मंजिल पे एक ख़वातीन की आवाज़ आई। मैं बाहर निकला तो वो खून से भरी हुई थी, जख्मे सर पे, मुंह पे, बाजू पे। तो कहीं साथ लोगों के साथ उनकी ज़रा मदद की, नीचे गए, बाहर निकले और कोशिश की कि कोई एम्बुलेंस मिले या कुछ। तो उस वक्त कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है या ये क्या हुआ है। बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी। किसी ने कहा कि ये एक हमला हुआ है हवाई। कोई समझा कि ये दहशतगर्दी क्या कोई हिकमत अमली है। और परेशानी, हर तरफ एम्बुलेंस फैल रही है, हर तरफ लोगों की चीखें आ रही, लोग ज़ख्मी फिर रहे आम खुले आम, उनको कोई मदद नहीं मिल सक रही। और ये पूरे शहर में आप जिधर भी आगे बढ़ते गए यही सूरत हाल नज़र आई। बाद में पता चला कि जो पोर्ट है बेरूत का, उधर ये धमाका हुआ है। वो मेरे फ्लैट से कोई तकरीबन 1.5 मील का फासला है, तो काफ़ी दूर तक ये तबाही हुई। और जैसे मैं बढ़ता गया, बाहर निकला, कोशिश की कि कहीं और जगह मैं ढूंढूं, यहाँ पे तो कोई रहने के कोई काबिल सूरत हाल नहीं थी, तो और ही तबाही नज़र। बैंक पूरे के पूरे, उनकी खिड़कियाँ उड़ गईं, उनके दरवाजे उड़ गए, उनकी मशीन्स, कंप्यूटर सब बाहर, दुकानें जो थीं उनका सारा सामान बाहर निकला हुआ, गाड़ियाँ उनकी तबाही। और लोग बस ऐसे एक खौफ की फिज़ा, हर तरफ खौफ उनके चेहरों पे वो फिर रहे, ऐसे जैसे वो एक शैटर्ड जो है उनकी सिर्फ पूरा शहर नहीं, पूरा शैटर्ड उनकी ज़िंदगियां भी होगी शहरियों की। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये एक बहुत बड़ी एक धमाका था। बेरूत की तारीख में काफ़ी कई सानिया हुए इस तरह के, पर इस साइज़ की कोई धमाका नहीं हुआ। 2005 में एक साबिक वज़ीर आज़म थे रफ़ीक हरीरी, उनकी शहादत भी यहाँ पे कहीं करीब हुई। और वो भी एक बहुत बड़ा सा एक ट्रक था जिसके नतीजे में 22 लोग फौत हुए। और इस तरह की जो है एक खौफ की फ़िज़ा पूरे शहर को लपेट गई, पर ये भी उससे ज़्यादा शदीद था। लोगों ने यहाँ पे सिविल वॉर देखी है, जंग देखी 15 साल, पर उधर भी जो तबाही जो थी हुई थी उस ज़माने में वो इस स्केल पर नहीं हुई। यहाँ पे पूरा शहर रुक गया है। पहले से सूरत हाल बहुत बुरी थी। यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन्स थे, इकॉनमी का पहले से ही बुरा हाल था। इकॉनमी जो है पहले ही एक बुरी नाजुक सूरत हाल में थी। यहाँ पे
$100 billion का नुकसान हुआ है यहाँ की मईशत को। यहाँ के जो आम जो करेंसी है लीरा, उसकी 80% उसका नुकसान हुआ है ये पिछले सिर्फ 2 महीनों में। बेरोज़गी हर तरफ, फिर एक यहाँ पे जो पाकिस्तान में होता था तो यहाँ पे एक बिजली का बहरान भी आ गया। 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तक लोगों के पास बिजली नहीं, क्योंकि यहाँ पे रियासत के पास कुछ रह नहीं गया। तो हर तरफ पहले ही जब मैं पहुँचा यहाँ पे 3 हफ्ते पहले, एक मायूसी नज़र आई पहली दफ़ा मुझे बेरूत में। आमतौर पे बेरूत एक बड़ा ज़िंदा दिलाना शहर है, यहाँ पे लोगों ने इनकी रेजिलियंस जो है वो पूरी दुनिया मानती है, पर मैंने देखा कि ये एक अफसोसनाक शहर था जिधर लोग मायूस से एकदम से नज़र आ रहे थे और उस मायूसी से बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। साथ कोरोना वायरस, साथ मईशत उनकी तबाह, साथ बिजली का बहरान, उम्मीद की किरण कोई नज़र नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि आप बिल्कुल जो हैं एक किनारे पे पहुंच गए हैं। कल रात की सानिया की वजह से अब लगता है कि उधर से पार हो गया मुल्क। यहाँ पे लोगों को कोई उम्मीद कहीं नहीं नज़र आती, यहाँ पे कोई बैन अल-अक़वामी मदद भी नहीं आ रही, कोई आलमी मदद कहीं से नहीं नज़र आ रही। लोगों को ये नहीं पता कि उनके रिश्तेदार किधर हैं, उनकी फौतगी का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनकी उनके जनाजे का इंतज़ाम कर रहे हैं, या जो ज़ख्मी हैं उनको लेकर अस्पतालों तक पहुँचे हैं, और ढेर सारे इस तरह हैं जो अपने घर वालों को, अपने करीबों को वो ढूंढ नहीं पाए, तो वो उनको उनके लिए देख रहे हैं हर जगह, हस्पताल, सड़कों पे, लोग दूर दूर घरों पे, और हज़ारों से इस तरह की फैमिलीज़ हैं जिनके अब घर भी नहीं रहे। मेरा ख़ुद एक फ्लैट तबाह हुआ है, इस तरह पता नहीं कितने हज़ार तबाह हुए हैं, बेरूत के इस शहर में। अब अल्लाह ही जाने कि आगे क्या होता है। बस एक चीज़ तो वाज़े है कि बेरूत को पूरी दुनिया की जो है ना दुआओं की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को भी पता है कि इस तरह के सानिया कैसे होते हैं और उनका क्या असर होता है, तो वो ज़रूर पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में लोग हमदर्दी ज़रूर कर सकेंगे, उनको पता होगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त। लबनान के वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि ज़रूर तहकीकात होंगी इस सानिये में, पता करना की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ये इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें पूरा का पूरा शहर हिल गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये इस वजह से हुआ कि उधर पोर्ट में मौजूद थी 2700 टन का अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ बमबारी के लिए। अब ये पूछना चाहेंगे लोग कि ये उधर क्यों मौजूद था, और अगर मौजूद था जो लोग कह रहे हैं 6 साल के लिए, तो ये किसकी वजह से, किसने ये होने दिया, और फिर अगर मौजूद था भी तो फिर ये कैसे हुआ कि इसको इस वक्त कल आग लगी और इतना बड़ा सा ये धमाका हुआ। ये सब सवाल सब लबनानी चाहेंगे, इसके जवाब चाहेंगे, और वो ज़रूर चाहेंगे कि कोई अकाउंटेबिलिटी होए, कोई हिसाब होए इस आने के लिए। लोग यहाँ पे बहुत तप गए हैं अपने हुक्मरानों से बार बार देख के कि जो कोई भी बहरान आता है वो उनकी नलायकी और नाकामी की वजह से मज़ीद बुरा गुजरता है वक्त उनके ऊपर। तो अब ये इस वक्त मेरे ख़्याल से ये जो शौक मना रहे हैं लोग, ये चंद दिनों में ये फिर गुस्से की एक शक्ल लेगा। So you guys probably heard the news about the explosion that went off in Beirut, Lebanon. A massive explosion has torn through the Lebanese capital, Beirut. 80 people are dead and more than 3,000 wounded. But those numbers are expected to rise right into the night. We just wanted to make a video to help raise funds for people that are there. The links to give money to are below already, so if you want to just stop watching and go give, you can do that. Why we want to give to the Lebanon is...
because it's a really special place to us. Yeah, it's where Justin and I first met. It's also where we happened to get engaged a couple years later. But not least, Cohen, I got you a ring. We also have several really good friends that are still living in the city. And yeah, I mean, we just really like Beirut a lot and have a lot of great memories there. So it was sad for us to wake up to the news, and we wanted to find a way to help. So that's why we're making this video. Two places specifically that we think about, there was the Olive Grove, which is a co-working space started by our friend Anna Medeiros. The Olive Grove was 2 kilometers away, and the windows still were blown in. So that's all over the city. All over the city, there's places like that. And the Olive Grove, we were... Yeah, I think we first visited the Olive Grove back in 2017 when we visited Beirut. Anna had just opened it up as a co-working space. So, yeah, we used to go work there a lot, and it's crazy to see the windows right by the tables that we used to sit at just completely shattered. Another place that is really special to us is Saifi Urban Gardens. Yeah, we just saw our friend Talal posted a bit of a story about it earlier today. That's where Justin and I actually first met. When our first day, had our first coffee together. Yeah, and I was watching Talal's story, seeing the entire, like, what do you call that? Restaurant area? The outside area. The entire outdoor seating and like rubble. We lived at Saifi for a month at one point. And we saw a picture of the alley that we used to walk through all the time. It's just destroyed. So anyways, some of the most important stuff that people need right now is food and shelter. So we put links below where you can give money that's going to go to those kind of things. But if you want to give directly to our friends that are living there, you just contact us and we'll send you their contact information, and you can just give to them. Obviously, people should do their own research when things like this happen, but one thing to keep in mind for Lebanon, I guess, is to try to find places that aren't funding money through the government. So if you can find organizations that are doing things as directly as possible, that's what we would recommend outside of the links that we've left below. Our hearts go out to everybody in Beirut. The lira had already... Inflation was insane there already, and I can't imagine how devastating this must be for an entire city to not only have lost so much money after COVID-19, but now to have the whole city basically destroyed. Yeah, just like complete destruction. Yeah. So sad. It was sad to wake up to that this morning, and also just sad to keep thinking about the fact that it really happened and everybody's still there. Yeah. So anyways, we love you guys all there in Lebanon. We're standing with you guys, and hope that more people come together to help you guys now in this time of need.